पाक गेंदबाज ने धोनी की टीम से डेब्यू कर गेंद से मचाई तबाही। कोलकाता के खिलाफ लगाई विकेटों की झड़ी, चेन्नई को दिलाई बड़ी जीत। मेजर लीग क्रिकेट का आयोजन अमेरिका में हो चुका है, जिसमें कुल 6 टीमें अपने दमखम दिखा रही हैं। 14 जुलाई को टेक्सास सुपर किंग्स बनाम लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला गया। इस मैच में एमएस धोनी की टीम से खेल रहे एक पाकिस्तानी गेंदबाज ने नीतीश राणा की टीम को धूल चटा दी और अपनी टीम टेक्सास सुपर किंग्स को ऐतिहासिक जीत दिला दी। इस मैच में टेक्सास सुपर किंग्स का एक घातक गेंदबाज लॉस एंजल्स नाइट राइडर के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटा। दरअसल इस मैच में टेक्सास सुपर किंग्स की ओर से खेल रहे मोहम्मद मोहसिन ने कमाल का प्रदर्शन किया और एमएस धोनी की टीम को जीत दिला दी। अब उनकी घातक गेंदबाजी चर्चा का विषय बन गई है। उन्होंने अपने 3 ओवर के स्पेल में केवल 8 रन देकर 4 बल्लेबाजों को अपना निशाना बनाया। इस दौरान मोहम्मद मोहसिन ने किफायती गेंदबाजी की। उन्होंने 2.70 के इकोनॉमी रेट के साथ गेंदबाजी करते हुए एमएस धोनी की टीम को जीत दिला दी। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए टेक्सास सुपर किंग्स ने 6 विकेट खोकर 181 रन बनाए थे। सुपर किंग्स की ओर से सबसे ज्यादा रन डेविड मिलर ने बनाए। उन्होंने 61 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत टेक्सास सुपर किंग्स ने 181 रन बनाए थे। वहीं 182 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स 112 रन पर सिमट गई। नाइट राइडर्स की ओर से सबसे ज्यादा रन आंद्रे रसल ने बनाए। उन्होंने 34 गेंद में 55 रन की पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके और मुकाबला टेक्सास सुपर किंग्स ने 69 रनों से अपने नाम कर लिया। मेजर लीग क्रिकेट में टेक्सास सुपर किंग्स की ओर से खेल रहे एमएस धोनी के गेंदबाज मोहम्मद मोहसिन पाकिस्तान के रहने वाले हैं। मोहम्मद मोहसिन ने पाकिस्तान की नेशनल टीम से डेब्यू नहीं किया है, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में कमाल का प्रदर्शन कर दिखाया है। मोहम्मद मोहसिन ने 7 फर्स्ट क्लास मैच में 8 विकेट चटकाए। इसके अलावा लिस्ट ए में भी उन्होंने 7 मैच खेलते हुए 8 विकेट को अपने नाम किया है। मोहम्मद मोहसिन की इस पारी को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट में आप अपनी राय में बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।